हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही काम के किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएंगे। पैसा तो बचाएंगे ही और समय भी बहुत ज़्यादा बचाएंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब हम आटे को छानते हैं तो आटे को छानने के बाद उसमें निकलता है ढेर सारा चोकर। आजकल मशीन का आटा आता है, लोग पैकेट का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चक्की का आटा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस तरह से बहुत सारा चोकर निकलता है, जो कि हम फेंक देते हैं या हम गाय को डाल देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन आटे के चोकर से भी हम बहुत ज़्यादा काम में ले सकते हैं। इसका हम फेस पैक बना सकते हैं या इसका हम उपटन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप इसका और क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारे हाथ से अक्सर तेल ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे फर्श जो है एकदम चिकना हो जाता है और गिरने का डर भी रहता है। कितना भी आप साफ़ कर लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, साफ़ नहीं होगा। तो कभी भी आपके फर्श पर तेल गिर जाए तो आप आटे का चोकर उस पर इस तरह से डाल दीजिएगा, और डालने के बाद इस तरह से धीरे धीरे उसको रगड़ कर साफ़ कीजिएगा, तो आपका जो फर्श है उस पर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहेगी। आपको ना तो पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको साबुन डालकर उस पर धुलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से चोकर को डालकर फर्श को साफ़ किया है और फर्श पर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है और एकदम साफ़ हो गया। इसी तरह से जो मैंने दूसरी जगह तेल पड़ा हुआ था उस पर भी मैंने इसी तरह से चोकर से रगड़कर साफ़ किया, तुरंत साफ़ हो गया। जो चोकर था उस पर सारा तेल आ गया और फर्श पर जो तेल पड़ा हुआ था वो बिल्कुल साफ़ हो गया। आपको ना पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको साबुन डालकर धुलने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, फर्श बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल भी इस पर चिकनाई नहीं रही। अगर आप कपड़े से पोंछते फिर भी इस पर चिकनाई रहती। तो देखिए कितना अच्छा सा ये चोकर का तरीका है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब कभी भी आपके आटे से चोकर निकले तो उसको फेंकेगा नहीं, आप एक बॉक्स में उसको रख दीजिएगा और इस तरह से आप उसको इस्तेमाल में लीजिएगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, देखिए, कभी कभी हमारे घर में दूध ज़्यादा होता है या रात का दूध बचता है तो हम उसको रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है या महक जाता है या वो फट जाता है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका दूध बच जाए तो आप उसको किस तरह से रखेंगी जिससे आपका दूध जो है ना तो फटेगा ना ही उसमें महक आएगी। तो सबसे पहले हम दूध को गैस पर उबलने के लिए रख देते हैं, और जब हम उसको उबलने के लिए रख देते हैं फिर हम लेंगे कच्चे चावल। कच्चे चावल लेंगे, 6 या 7 चावल लेंगे और इस तरह से दूध के अंदर उसको डाल देंगे, और डालने के बाद एक चमचे से उसको चला देंगे, और चलाने के बाद हम दूध को उबाल लेंगे। तो इस तरह से आप दूध को ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिएगा, चाहे बाहर रखा रहने दीजिएगा, आपका दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप अपने ताज़े दूध को भी इस तरह से रख सकते हैं। ये मैंने बताया कि आपका अगर रात का दूध बचता है या सुबह का शाम को दूध आप उबालती हैं तो आप इस तरह से रखिए, आपका दूध ख़राब नहीं होगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए, ये चार्जर है और अक्सर ख़राब हो जाता है, इसका जो तार है कई जगह से कट गया। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो करंट का भी डर रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जो डोरी है, इसको जो तार है, उसको हमें फेंक देना चाहिए, लेकिन इसका जो अडेप्टर है ये हमारे काम में आ सकता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह से आपका चार्जर कभी भी ख़राब हो जाए, कभी भी कट जाए, तो आप इसका इस्तेमाल क्या कर सकती हैं। इस तरह से अडेप्टर का इस्तेमाल आप कर सकती हैं मोबाइल रखने के लिए। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं या आपको ही कोई मोबाइल में काम करना हो या कुछ देखना हो तो आप इस तरह से मेज़ पर रख दीजिए इसको, और इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से मोबाइल को फंसा दीजिएगा। देखिए, आपका मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो गया। आपको बाज़ार से महंगा मोबाइल स्टैंड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इस तरह से आप अपना काम भी करती जाएंगे और आप अपना मोबाइल भी देखती जाएंगी। तो देखिए, इस अडेप्टर को आप फेंकिएगा नहीं, आप उसको इस तरह से मोबाइल स्टैंड बना सकती है। देखिए, है ना कितना अच्छा सा ये टिप्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मोबाइल गिरा देते हैं, लेकिन इस तरह से रखेंगे तो बच्चे भी आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे। और देखिए, ये इतना अच्छा है कि आप इसको घुमा भी सकती हैं। देखिए, इस तरह से आपको अगर इसको दाएं करना है तो दाएं कर दीजिए, बाएं करना है तो बाएं कर दीजिए, और ये बिल्कुल गिरेगा भी नहीं। है ना कितना अच्छा सा ये मोबाइल स्टैंड, और इस तरह से बच्चों को भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे एकदम खुश होकर देखेंगे और अपनी पढ़ाई को आराम से कर सकेंगे। तो इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है, चाय हम लोगों के यहाँ जरूर बनती है। भाई, चाय लगती भी बहुत अच्छी है और ये हमारी थकान को दूर भी करती है। तो हमने चाय बना ली, और चाय बनाने के बाद उसको कप में छान लिया, और छानने के बाद चाय पी ली।
तो जो बची हुई चाय की पत्ती होती है उसका आप क्या करते हैं, उसको आप फेंक ही देते हैं ना। तो मैं बताऊंगी कि आप अपनी बची हुई चाय की पत्ती का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरी ये इतनी सारी चाय की पत्ती बची है 2 कप चाय में, इसको हम फेंक देंगे, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो इस पत्ती में यानी कि इस फ्राई पैन में हम डाल देंगे 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा कर हम इसको छान लेंगे। तो छानने के बाद ये जो छानने वाला पानी है इसको हम फेंक देंगे, यानी इसमें जो चीनी होती है वो पत्ती में से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये 1 गिलास का पानी हटा दिया है और इसमें 1 गिलास साफ पानी डाल दिया है, यानी जो चीनी का पानी हो गया तो उसको हटा दिया। फिर हम लेंगे 1 ऑरेंज, ऑरेंज को हम खाते हैं लेकिन उसके भी छिलके फेंक देते हैं, तो वो छिलके फेंकेंगे नहीं, वो छिलके हम इस फ्राई पैन में डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके और ऑरेंज को खा लेंगे। तो देखिए छिलके मैंने इस तरह से फ्राई पैन में डाल दिए हैं और इसको हम गैस पर रख देंगे उबलने के लिए, और गैस पर उबलने से पहले हम इसको चला लेंगे जिससे छिलके पानी में अच्छे से मिल जाएं, और इसके बाद हम 3-4 बार इसको अच्छे से खौलाएंगे जिससे चाय की पत्ती का असर और संतरे के छिलकों का असर पानी में अच्छे से आ जाए। तो देखिए मैंने 3-4 बार इसको अच्छे से उबाल लिया है और उबालने के साथ इसको चम्मच से थोड़ा सा चला भी दिया जिससे ये अच्छे से उबल जाए और इसका असर पानी में आ जाए। तो देखिए पत्ती भी उबल गई है और साथ में छिलके भी अच्छे से उबल गए हैं और एकदम बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। तो देखिए फ्राई पैन में 3-4 बार छिलके और चाय की पत्ती जो बची हुई थी वो अच्छे से उबल गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको एक छलनी से छान लेंगे। छानने के बाद देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया और पानी में इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है संतरे की छिलके की। लेकिन इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सर्फ, कोई सा भी सर्फ जो आप इस्तेमाल करती हैं, और इसके बाद हम घर में जो पोछा लगाते हैं ना उस पोछे के पानी में इस मिक्सर को डाल देंगे, और डालने के बाद हम अपने घर में जब पोछा लगाएंगे तो हमारे घर में जितने भी मक्खी मच्छर होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और ज़मीन पर छोटे छोटे जो कीड़े चलते हैं वो भी घर में नहीं आएंगे, और साथ ही काकरोच से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और फर्श जो है आपका एकदम चमक जाएगा। तो आप जब सुबह की चाय बनाएं, चाय बनाने के बाद पत्ती को फेंके नहीं, आप सुबह को जब पोछा लगाएं तो इस तरह से पत्ती के पानी में ऑरेंज के छिलके डालकर उबाल लीजिए और उसके बाद सर्फ डाल के अपने घर में पोछा लगाइएगा। आपका पोछा लगने से आपका जो घर है एकदम देखिए शीशे की तरह चमक जाएगा, देखिए कितना अच्छे से ये फर्श बिल्कुल चमकने लगा। तो इस तरह से इस पानी से आप पोछा लगाएंगी तो आपका घर एकदम साफ हो जाएगा, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े बिल्कुल घर से दूर हो जाएंगे और घर में इतनी अच्छी सी भीनी भीनी ऑरेंज के छिलकों की महक एकदम फैल जाएगी, आपको रूम फ्रेशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कितना अच्छा सा ये तरीका बताया, ये किचन टिप्स बताया जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। ये बचे हुए सामान हम जो अक्सर फेंक देते हैं, देखिए किस तरह से हमारे घर के काम को सरल बनाते हैं, साथ ही आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी बचाते हैं। आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।